एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, आपको बताएं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना फैल चुका है। रविवार को 7,695 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना के 5 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 49 जिलों में 50 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। आपको बताएं कि बीते 9 दिनों में 20 गुना बढ़े हैं कोरोना के केस। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 1,149 के सामने आए हैं। आपको बताएं मेरठ में 715 और वाराणसी में 437 के सामने आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना फैला हुआ है। रविवार को 7,695 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित दीक्षित ऑनलाइन पर मौजूद हैं। जी रोहित, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना फैला हुआ है, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला जो प्रदेश है, ये इस समय संकट में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में फैला जो है कोरोना, रविवार को 7,695 मरीजों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कोरोना के 5 मरीजों की जो है भीषण जो है कोविड-19 की महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। अब 49 जिलों में 50 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, तो इसलिए आपको बताते चलें कि बीते 9 दिनों में 20 गुना जो है मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में जो है मरीजों की संख्या हुई है, 1,149 केस जो है अभी तत्कालीन नए मिले हुए हैं। लखनऊ में 1,115 है और गाजियाबाद में 922 है। इस तरह के तमाम जिलों में जो है लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कोविड-19 की लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, अब तो बच्चों के लिए भी जो है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। इसी बीच जो है तमाम जो है कोविड-19 के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश संकट की ओर दिख रहा है। जी रोहित दीक्षित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता रोहित दीक्षित।